साल हम चेयरमैन रही वहाँ अपने महाराष्ट्र में जो हम साहब कहला था, अब वो इलेक्शन ना रह गए बाकी जो उनकी कहल जाला कि राजनीति से तो जीतले ना जा सकेला, कूटनीति करे के पड़ी, साम दाम दंड भेद सब यूज करे के पड़ी, अब वो राजनीति ना रह गए जो मुलायम सिंह पैदल चल के और गांव गांव मेहनत करके और राजनीति कैले और लोग ईमानदारी पर वोट दिले। ईमानदारी का तो वोट ना रहे, साहब से इतना रिक्वेस्ट करब कि जगह जगह बूथ बूथ पर कम से कम आप इतना काम कर दे कि 10 लोगों के हमारी जैसे महिला और जेंट्स खड़ा कर दे, वो टाइट रही है। हम लोकसभा के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में महाराष्ट्र से यहाँ आती हूँ और बहुत कष्ट उठा के यहाँ आके गोपागंज अवधेश यादव हमारे भाई साहब है, मनोज यादव है, ओम प्रकाश यादव है जो हमारे जीजा जी है, तो समझिए कि हम ये चाहते हैं कि राय साहब वो व्यवस्था करें कि जिससे कि जीतने में कहीं से कसर ना रह जाए। राजनीति से तो हम जीत नहीं सकते हैं, ये राजनीति नहीं चल रही है। जिस जो नेता आज के प्रेजेंट में है बीजेपी पार्टी के, खरीद परोक्ष चल रहा है, जो आपने जिंदगी भर मेहनत किया, हम आपको 20 करोड़ में आज खरीद लेंगे, आप बिक जाएंगे, खरीद परोक्ष तो चल रहा है, कहाँ राजनीति चल रही है? राजनीति खत्म हो गई है, राजनीति का तो नाम ही खत्म हो गया है। राजनीति किसे कहते हैं हम भूल गए हैं, कानून किसे कहते हैं आप बता दीजिए, कहाँ महिलाएं सुरक्षित है, कहाँ गाँव की मेंटेलिटी कहाँ बदल गई, क्या चीज बदला है? हमें तो कुछ बदला ही नहीं। हम 4 महीने महाराष्ट्र से जब यहाँ आते हैं, जब इलेक्शन होता है तो हमारे पंकज भैया भी देखते होंगे, हमारे ससुर जी भी देखते होंगे कि हम 4 महीना यहाँ आते हैं, किस लिए आते हैं? शायद नहीं किसी को पता है कि हम घोसी मऊ और काजा सब एक करके यहाँ खुराट सब एक करके दौड़ते, इसलिए कि सत्ता में वो आदमी आए जो एक हर एक बंदा खड़ा होकर ये समझ सके कि राजनीति और कानून के लिए हम तैयार हैं, हम लड़ सके। ये नहीं कि हमारे लिए सिर्फ नेताजी लड़े, क्यों नेताजी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे नेताजी के साथ कि हाँ हमें हमारी राजनीति के लिए, हमारी कूटनीति के लिए हम तैयार हैं। ऐसा नहीं कि हम तैयार नहीं है, हम कूटनीति नहीं कर सकते। आप कूटनीति से जीत रहे हो, राजनीति से तो जीत ही नहीं सकते हैं, ये हमारे पास गारंटी है, लिखित है। योगेश यादव है, एक मिश्रा जी है जौनपुर के, उन्होंने हमारे सामने बोला कि पेटी बदली गई, सबको खरीद परोक्ष चल रहा है, SDM हो PM हो सब तो खरीद परोक्ष से जाए। आप नेता है जो जिंदगी भर में आपने मेहनत करके बनाया है, वो 2 मिनट में आप खरीद दिए जा रहे हैं, तो यह बिकना है या कानून को मजबूत करना है, हर एक व्यक्ति को मजबूत करना है, जो छोटा है बड़ा है गरीब है अमीर है, जिसको की बोलने का अधिकार हो सके। तो हमारे राय साहब जाएंगे तो कम से कम हमें ये तो होगा गर्व कि हम जा करके कुछ इनसे कह सकेंगे कि जनता की जो आवाज है, जो छोटे बड़े गरीब अमीर सबकी आवाज है, उसे बुलंद करेंगे जा करके, ये ना हो कि नहीं। और जिस पार्टी का नाम ही समाजवाद हो, उसका अर्थ है आप लगा लीजिएगा, आप लोग पढ़े लिखे यहाँ आए सभी लोग काफी जानकार है, आप जानते ही है कि समाजवाद का अर्थ होता है कि सभी को लेकर चलना। यहाँ बंटवारा हो रहा है, फलाने ठाकुर है, बाबन है, यादव है, वो फलाने, अरे भैया राजनीति और वोट सभी लोग देख कर रहे हैं, एक जात से एक बिरादरी से आप ये बंटवारा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप तो कुर्सी पा जा रहे हैं, हम और ये लड़ रहे हैं कि आप ठाकुर साहब है बैठे हैं, फलाने हरजन है वो वहाँ बैठेंगे नीचे, ये राजनीति फिर लाई जा रही। सनातन धर्म को आप क्या जानते हैं? आप बताइए सनातन धर्म के हम क्या जानते हैं? आइए बात करिए, सामने बैठ के बात करिए, सामने बैठ के बात करेंगे नहीं। कर्नाटक का जो हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, क्या उस पर एक्शन लिया गया? मोदी जी क्या एक्शन लिए? एक शब्द तक नहीं बोले। क्या महिलाओं की सुरक्षा है? हमें आप लोग से पूछना चाहते हैं, क्या सुरक्षा है? हमें सुरक्षा चाहिए कि हम 12 बजे रात को महाराष्ट्र में, हम 12 बजे रात को अगर गाड़ी से आते हैं तो किसी की मजाल नहीं कि वो आप उठा के देखते, यहाँ हम चल सकते हैं? कहाँ महिलाएं सुरक्षित है आप बताइए, किस जगह पे महिलाएं सुरक्षित हैं? हम आ सकते हैं यहाँ 12 बजे रात को? नहीं आ सकते हैं। आपने सुरक्षा दिया है, ढिढोरा पीट दिया, आपने ढोलक बजा दिया, तबला बजा दिया कि महिलाएं सुरक्षित हैं, और हमको लग रहा है हम सच में सुरक्षित हैं। कुछ महिलाएं इस चीज में भ्रम में है कि हम सच में सुरक्षित हैं, लेकिन सुरक्षित कोई नहीं है, सब लोग असुरक्षित हैं, जो गरीब है वो गरीब ही है और जो अमीर है, हाँ बस यही है कि 10 को मर्डर कर लीजिए, बीजेपी में चले जाइए, आप एकदम क्लीन चिट है, आपके ऊपर कोई केस नहीं है और आप कोई दावेदार है ही नहीं। जितने क्रिमिनल थे, जितने जो थे, उनको बचना था, छापा नहीं मारना था साहब।